हाय हाय शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों। आई एम सॉरी, मैंने तो ये रियलाइज ही नहीं किया था कि शो स्टार्ट हो गया। देखिए, सबसे पहले आपको पता है ना, किचन में आने के बाद हाथ धोने बड़े जरूरी होते हैं। लाइव बॉय से हाथ धोए ना, इस तरह करके, और फिर आपके हाथ जब जरा सीम से पाक हो जाते हैं ना, तब आता है खाने पीने का मजा। अपनी फैमिली का ख्याल रखने के लिए इतनी सफाई तो करनी चाहिए भाई, है ऐसे तो गंदे हाथों ना चीजें बनाओगे तो फैमिली बीमार हो जाएगी, तो फायदा क्यों होया है। तो ये है पहला तो इसका स्टेप। लो जी, मैंने ये सोचा कि इतने दिनों से मैं ना अपने रिश्तेदारों को बुला रही हूँ, कभी अपने बच्चों को तो कभी अपनी बहू को तो बेटी को, तो लोगों ने मुझे कहना इसको नेपोटिज्म हो गया। नहीं, नेपोटिज्म तो सिरगट में होता है। नहीं, नेपोटिज्म, हाँ, मैंने भी नया नया सीखा ये लफ्ज, मुझे पहले भी था आता। तो मैंने सोचा आज अपने मोहल्ले से किसी को बुलाती हूँ। तो हमारी दीवार के पीछे ही एक बड़ा प्यारा सा लड़का रहता है, बड़ा मशहूर आर्टिस्ट है, आपको भी बड़ा प्यारा लगता है, हाई बड़ा क्यूट। तो मैंने आज को कर लिया, तू आज आ जाते, हम मिलके इफ्तारी भी बनाते हैं। साथ में इफ्तारी किसी को करा देते हैं तो इसका बड़ा स्वाद होता है। रमजान शरीफ में आपको पता है ना कि ये इस तरह की चीजें जरूर करनी चाहिए। और वैसे भी ना, जब अपने बर्ची खाने में आप आए ना, तो अच्छी तरह तैयार होके आए, खुशबुए लगा के आए, ताकि आपके खाने के साथ साथ आपका दिल भी। हाय, अस्सलाम वालेकुम, मैं क्या माँ सदके जाए। पहले तो ये कर लेना, वैसे ये मेरी कोनी ठीक है, ये तो मास्क भी उतार सकता है, हम दूर दूर खड़े हैं। मुंह दिखाई मैं बाथरूम में, पहले तू आता था तो हम कहते होते थे कि ये कौन आ गया, अब तो तू आया तो मैं कह रही हाय हाय ये कौन आ गया, हाय हाय कितना गिरा। खानदान वालों के सामने तो काफी गिर गया। मैं वजन की बात कर रही हूँ, कैसी बात कर रही हूँ, प्राइवेट बातें नहीं करती बेटा। वजन कोई मेरा ख्याल है 20-25 किलो। हाय, लगता है पूरा एक बंदा ही कट के बाहर मारे अपने अंदरों है। और सुना तेरा क्या हाल है वैसे है? बात ठीक, अच्छी लगाई है। बस मिस्टर चौधरी, मैंने कहा कि आज आपके घर आऊं, क्योंकि मोहल्ले के अंदर जब आप खाना पकाती है तो खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। मैंने कहा कम से कम आज 1 किलो तो मेरा वापस आना चाहिए। हाँ जी, तू फिक्र ही ना कर, जो कुछ मैंने पाना है ना सारा तेरे खुआ के छड़ना, छड़ी लगे देखी। डन डन, आज मैं बना रही हूँ। देखो जी, पकौड़े तो हम बनाते रहते हैं, हम समोसे भी बनाते रहते हैं, चाट भी बनाते रहते हैं, तो सारी चीजें ऐसी है ना कि हम रमजान शरीफ में अपने घरों में ये बनाते हैं। मैंने सोचा एक जैसे पकौड़े खा खा के हम बोर हो गए, तो कुछ ना कुछ तो हमको हर दफा नई चीज करनी चाहिए। तो इस दफा जो मैंने पकौड़े बनाने हैं, तो देखी अनियन पकौड़े प्याज वाले पकौड़े। हाँ, प्याज हो गए। नवीना, मैंने अंग्रेजी सीखी है तो मुझे जरा तरीके से बताने दे। अच्छा अच्छा, तो ये देखो ना, इसमें हमने गोल गोल अनियन इस तरह करके डालने, ये रहा बेसन। Okay. तो अली सीख ले बेटा, घर जाके भी कभी बना सकते। नहीं नहीं, मैं आपको पता है मैं थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेता। अच्छा बेटा, आंख मारने की जरूरत नहीं थी, मुझे वैसे ही समझ आ गई थी। अच्छा, तो बेसन थोड़ा सा लिया हमने, उसके अलावा हमारे पास ये है, इसके अंदर हमने डालना है ये किनौर का जो चिकन क्यूब है ना, इसको अच्छा। हमने पोरा पोरा करके अभी डालना है, मैं डालूंगी। तो साथ में पड़ा भुना हुआ जीरा, ठीक है, हरा धनिया, ठीक है, कुतरा हुआ, ये लहसुन अदरक मिक्स है, हमने जरा अच्छा, डालना है खुशबू के लिए। अब मैं क्या करती हूँ, सब्जियां सारी ना जो हिसाब के आगे रख देती हूँ कुतरने के लिए, रोजाना छुरी लेके मैं देखो कम करन बैठे रहते ने खाम खाई। हाँ। बड़ा सोना हूं धनिया कुतरन लग गए ने, खैर सल्ला माशाल्लाह। अच्छा, अब मैंने क्या करना, ये काली मिर्च थोड़ी सी, इसमें हल्दी भी डालनी, जरा रंग भी आएगा, और हल्दी तो हर चीज का इलाज है। अच्छा, ये कुटी हुई लाल मिर्च और ये हरी मिर्च, ठीक है। अब मैं करती हूँ शुरू। आमचूर नहीं है, मैं पकौड़ों में वैसे आमचूर डालता हूँ थोड़ी। ये बद के गल्ला कर, जब हम आमचूर वाला बनाएंगे तो फिर हम तुझे पूछ लेंगे ना, अभी मेरा तो तरकीब सीख ले। ठीक है, ठीक। अच्छा चल, और तो फट जग और टूटी खोल, तो पानी भर के लिया मेरा पुत्र, शाबाश। लो जी, ये रहा हमारा बेसन, आया है पहले अंगूठिया तो उतारू। दरअसल मैंने आपकी खातिर ये सब किया होता है ना, तो मैं कहती हूँ चलो वे बात सुन। हाँ जी, मेरी अंगूठिया देख ली है? हाँ हाँ, मैं तो बल्कि देख के कह रहा था कि मुझे तो लग रहा था आप लूडी डालने वाली हैं। हाय हाय, वैसे तेरे आने पे लुड्डी तो बनती थी, लुड्डी है जमा नहीं, लेकिन मेरे इमेज का बड़ा मसला है बेटा, तरीके से जरा ग्रेसफुल रहना होता है। मैं अंगूठिया उतारने लगी हूँ, आपको मैंने पहले भी कहा था, जो भी कुछ आपने अंगूठियों में पहनना है, उंगलियों में पहनना है, उसको आपने उतार के साइड पे रखना है, क्यों इसमें सारा कुछ फंस जाना। अच्छा, हम सबसे पहले वो बनाएंगे। जी हाँ, एक मिनट, हम इसमें पहले चीजें मिलाएंगे, मुन्नी का हल्दी ऐसे करके, हल्दी स्वाद के मुताबिक। अच्छा, जीरा हमने डाला इसमें कम से कम, जीरा तो वैसे अच्छा ही लगता है, ठहर जावे, जीरा बड़ा अच्छा होता है ताकत के लिए।
मुन्नी का हमने लाल मिर्च काली मिर्च ठीक है काली अच्छा हम सिर्फ अनियन के पकौड़े डालेंगे इसमें शिमला या अच्छा ठीक मतलब है कि हम गोंगलू के पकौड़े नहीं बना रहे इस वक्त जो अपनी तरफ से मुफ्त मशवरा है पर ये देखा लाल कुटी हुई मिर्च मिर्चा पा दे पा दो पा दे सारी पा दे सारी पा दे जब बेटा ले जा चल जा हरियां भी डालनी है ना इस तरह तो ना फिर ठीक है तो लूट पा देती है अच्छा थोड़ा सा हमने ये करना है ये अदरक लहसुन का पेस्ट है खुशबुओं के लिए अच्छा जी अब असली चीज है ना जिसने टेस्ट बनाना है वो है किन्नौर की चिकन क्यूब्स इसको मैं करती हूँ पूरा 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 अच्छा इसी तरह डालना जरूरी है पूरे 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 इसका मजा ही देखो कुछ चीजें होती है उनका उनकी आवाज निकालने से उनकी अफादियत में फर्क पड़ता है तो पानी डाल मैंने करना है शर्र देखा पता चला पानी डाल ठीक है इसी तरह इसका इसका मजा तभी आता है जब चीजों की आवाज निकाले ना जैसे आप कुछ काटते हो तो कहते कट 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 ठीक है ठीक है तो जो कुछ भी आप करते हैं अच्छा है अगर आप साउंड इफेक्ट देना लाजमी है क्योंकि जब आप साउंड इफेक्ट देंगे तो उसका टेस्ट निकलेगा तो ये अनियन पकौड़ों के साथ जब फ्राई करने होंगे तब आप अपने मुंह से हाँ जी क्योंकि इसकी आवाज भी तो चूल्हा बाल छेती हो अच्छा उधर से रफान का कॉर्न ऑयल भी पकड़ लेना तू आ ही गया मैं ले दिया बच्चों का ही फायदा होता है कभी कभी दही भी मंगा लेती हूँ मैं इससे साथ वालों के घर तो नाले ये भी तो सालन मांगने आ जाता ना किसी दिन है तेरी अम्मी ने आज कुछ पकाया नहीं जी अच्छा। मैं तो आज बारहों ही खा रहे थे बल्कि मेरी बुड्ढी ने भी कहा कि यार आज अगर तुम मिसेस चौधरी के पास जा ही रहे हो तो थोड़ा सा पैक करवा के ला आहो ये तो इन लोगों की आदत है बड्डो ला देगा जाग दे बेटा चलो शाबाश कोई बात नहीं वैसे बरकत होती है रमजान शरीफ में अगर आपने हमसायों के साथ मिल बांट के अफतारी करनी है तो ये तो इसका सवाब ही बड़ा है वैसे जितने मेहमान आए उन्होंने बड़ी अच्छी आग लगाई है देख तो आज मेरी है मेरा फ्लेम जरा ज्यादा ही हो गया अच्छा इसको मैं ना बहुत पतला नहीं करूंगी क्योंकि इसमें फिर अनियन को चम्बड़ना होता है अच्छा ऑयल हमने कितना डालना है ज्यादा मीडियम नहीं डीप फ्राई डीप फ्राई का मतलब बार के पौना को और डालते गुड 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 ये देखना अभी ठहर जाओ छपड़ छपड़ नहीं गोल गोल ही हमने काटना है ये काटा हुआ ना नहीं मगर लोगों को दिखाना जरूरी है कि हम लोगों ने इसको इसी तरह गोल रखे जैसे मेरा मुंह है अब कहाँ रहा है मुंह बेटा डेढ़ फुट थले आ गया सवेर तो शाम सवेरे देखने शुरू कर शाम हो जाती छोटी तक आंदे आंदे मुझे याद है चौधरी साहब कहाँ है सब कान को टूटी लगा के झूं लेटते तो रोजा रख के मुंह वट के बैठ जाते ने किसी ने गलत नहीं कर दो बस सिर्फ इतना करते को कभी कभी मेरी हरी सब्जियां जो ना ग्रीन्स उनको कटर कटर करके चले जाते हैं अच्छी बात है आजकल ग्रीन्स में सारे बिलीव कर रहे हैं अच्छा अगर आपने चेक करना हो कि आपका ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं एक दो जीरा डाल के फेंका करें अगर वो करना शुरू करे इसका मतलब है गर्म हो गया अभी ये गर्म नहीं हुआ मूंछना पा लेंगे बेटे अभी अफतारी में टाइम है जरा हौसला करना खानदानी वकार दाव पे ना लग जाए इस तरह अच्छा इस पकौड़े के साथ साथ हम लोग और रेसिपी में क्या ऐड करें मैं बना रही हूँ आज चीकू देखा ना कितना मीठा फ्रूट है चीकू चोको शेक चीकू चोको ये आपको जवेद शेख साहब ने रेसिपी बताई थी शेख नहीं है वे वे चीकू चोको शेक है अच्छा शेक अच्छा शेक शेक वाला बेटा मैं इधर नमक रखना भूल गई थी जाओ उधर से काट के लिया शाबाश नमक के बगैर तो कुछ है ही नहीं किसी चीज का टेस्ट वैसे भी मैंने देखा था लेकिन आखिर में नमक डालना होता है सबसे शुरू में नहीं नहीं नमक चुटकी भर चुटका तो इतना बड़ा चुटका है चुटकी नमक हसबे जायका डाली बस कर देना नमक एवं ना तेज हो जाए हाँ अब हो गया ना सही से ये देखो इसकी शक्ल कितना प्यारा लग रहा है वहां पे गया ना देखें अगर मैं मेरी एक रेसिपी है बट पकौड़ों की अच्छा भाई वो मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी सिखाऊंगा कि बट पकौड़े कैसे बनते बट पकौड़े बट पकौड़े और कहने ना पोकी बट कुंडाली की बट कुंडाली चट प्याला तोड़ते मुच्छा बट चले आए जी हो गया ये हो गया अब मैं प्याज उधर ले गया बेटा हमने इसके अंदर डाला प्याज दो भी डाल सकते हैं पतले पतले भी होते हैं ना नहीं नहीं बड़े बड़े पाओ यार मतलब मैं तो पैक भी करा के लेके जाने हाँ तो ले जाना ना बेशक आज तो डोली और भी नहीं आना है? आज नहीं आना मैं खलेला आएगी तो कोई नहीं मैं उनके लिए और बना लूंगी तो मैंने तेरे लिए बनाए हैं लो जी हमने इसमें डाला प्याज प्याज के बड़े फायदे होते हैं सेहत के लिए कैसा गोल गोल है छल्ला बन गया ना बासु में तेरे घर उस दिन गई थी बेटा तो मैंने साइड पे तुम्हारे बाथरूम में हाथ धोने गई तो छल्ला छोड़ा थी तुम वापस भिजवा देना मुझे वो तो मैंने भेज दिया है बेटा तू बड़ा महंगा छल्ला था मुझे तो नहीं पता था कि वो छल्ला है मैं तो समझा कि वो
कहीं से कोई चीज आ गई है तो मैं कैसे ठीक है। अच्छा कोशिश करें कि जब आप पकौड़े फ्राई कर रहे होते हैं तो मीडियम आंच पे ही रख के पकाएं, अगर आप उनको साड़ना नहीं चाहते। हमेशा अच्छे पकौड़े जो है वो गोल्डन हों तो सबसे अच्छे लगते हैं। बिस्मिल्लाह। और कुछ लोग होते ना जेड़े काला स्याह इधर कहने का लशा कला, नहीं नहीं साड़ के सवा काले हो जाते हैं, तो जिस चीज को आंख ना ले उसको आंत क्या ले है? आ, ये भी जो अच्छी ना लगे तो उसका मजा भी नहीं आता। ध्यान रखना होता है खाना पकाने का। मैं कई दफा देखा लोग जो है ना कोई चीज चूल्हे पे रखे तो फिर दूसरा कोई काम करने लग जाता है, जो चीज बनाई होती है वो सड़ के सवा हो चुकी होती है। ये चीज इतने के प्यारे बन रहे हैं माँ सदके जाए। अच्छा बता रोजे पूरे रखे हैं? सच बताइए, सच बताइए, सच। मैं रोजे सारे रखता हूँ अलमारी में। इसका मुझे पूरा ही मजाक कर रहा हूँ। मैंने वाकई रोजे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है हम लोग सारे रखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि इस चीज में फातिमा बहुत ही तेज है, वो सारा चीजें प्रिपेयर वगैरह करके ऐसी सारा ठीक ठाक तैयारी सहरी तो लेके अफतारी तक एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अच्छा अभी इनको और दो मिनट देंगे। तेरी नानी थी ना नूरजहां? हाँ जी। बड़ी प्यारी थी। तू वैसे किस पे चला गया? मैं जी जाहिर गल अपने माँ प्यो तो गया। तेरी माँ भी बड़ी प्यारी थी पर पता नहीं, मैंने कहा छोटा तो प्यारा होता था, बड़ा होके अजीब सा ही हो गया। वो असल में ना एक जनरेशन में हुसन आता है, एक जनरेशन में टैलेंट आता है, लेकिन कभी अगर हुसन और टैलेंट एक ही जनरेशन में आ जाए ना अगली फिर है होती है। मेरा बच्चा मैं मजाक कर रही थी तो मुझे शुरू से बड़ा प्यारा लगता था गोल गप्पा सा। वैसे तू दुबला हो गया ना तो अब जरा थोड़ा बुधवार सा हो गया पहले से। अच्छा तेरी तबीयत में ठहराव सा आ गया जो मुझको इतना मजा नहीं आ रहा। आज मैं कोशिश करूंगा कि वो एक दो किलो वापस आए और वो फिर वाली चीज वापस आए। अच्छा तू घर जाता तो वैसे रोप था पहले जो अब खत्म हो गया ऐसा लगता तुझे? घर वाले पहचान लेते? रोप पहले भी नहीं था, रोप सिर्फ बाहर का था। रोप तो तुम पता है फिर गुड्डी जड़ी होती है आंदा ही रोंदा है। भाई आप देखें चौधरी साहब का रोप है या आपका रोप है? चौधरी साहब के प्रेशर कुकरा दी फैक्ट्री उन्होंने जब ओनु दीती ना मलका रानी नु उस वक्त से चौधरी साहब जा पड़े हैं ना। लेकिन अब बुजुर्ग हो गए, मैं कहती चलो फिर पै रहन फिर जेहो जे भी है ने पको नौकरी लगे ने कोई बात नहीं बच्चों के अबू है ना फिर क्या हुआ। अच्छा अब हम ये डाल रहे हैं तो इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक ताकि हम अपनी ये डिश आउट करें। इसको डिश आउट तो देख रहे मेरी अंग्रेजी चेक की थी। हाँ जी वाह। तो बहनों भाइयों हम थोड़ी देर में वापस आते फिर हम बनाएंगे चौको चीकू शेक। चौको चीकू जवे शेक, मतलब चौको चीकू शेक। बुरी बात है बेटा, अंकल है वो। आपके थोड़े बहुत। आपकी नानू का गाना आपको आता है कोई? हाँ मुंडिया 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 दुपट्टा छड़ मेरा शर्मा दा कुंडल है। और वो भी आता है दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले आंदा है। बेटा बस कर दे, बस कर दे, खाम खाम माहौल ना खराब कर। हमने अपने काम छोड़ गए, सॉरी बहनों और भाइयों हम लोग आपस में मसरूफ थे तो हम वापस आ गए ब्रेक से हैं। लेकिन ये बेटा याद रखना कि मैंने खाली ये पकौड़े नहीं बनाए, देख तो इसकी पहले गार्निशिंग देख। ये वाह 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 रिंग पकौड़े कितने मजे के रिंग साइड रिंग शेप रिंग रोड पकौड़े। हाँ रिंग रोड। अब इसके अंदर हमने डालना है टमाटो केचप। अच्छा अच्छा कनौर का जरा बेटे फ्रिज में से निकाल के लाना। तो तू है देखी मैंने एक चीज थोड़ी बनाई है, मैंने तो अभी वो चक्को तो चीकू शेक भी बनाना है और इसके अलावा मैंने फ्रूट का प्लेटर भी काट के रखा हुआ है। आवाज अच्छी निकाली है इसके साथ। आपने तो कहा था कि साउंड इफेक्ट होना चाहिए ना, है ना? अच्छा अभी इसको जाके ना तो अभी अभी रख देना उधर हमारी इफ्तारी की टेबल देख कितनी प्यारी है, है? और अब मैं अब हम बनाएंगे चीकू चोको शेक। हाय 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 वे छाड़ दे वे दराज ने भी मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। हमने इसके अंदर से पहले बीज निकाल लिए चीकू अल्लम या कितना को प्यारा फ्रूट है तू देख इसमें अल्लाह ने कितनी शुगर डाली हुई है और ये वाली शुगर नुकसान दे नहीं। पहले हाथ सैनिटाइज किए थे? हाँ हाँ गुड बॉय। अच्छा जी ये हमने करना है चीकू और इसके अंदर तो बीज नहीं था अल्लाह का शुक्र है चीकू डाले। ये तो सारी चीजें वो है ना जो कि आपको किसी तरह का भी फ्रूट का मिल्क शेक हो आपको इफ्तारी के बाद इतनी कुछ से एनर्जी मिलती है ना कि मजा आ जाता है बिल्कुल। और शहरी में भी आप पी सकते हैं
दोनों जगह पे पीसा। और क्योंकि दही और दूध और क्रीम है ये? नहीं दही नहीं है, दूध और क्रीम। अच्छा दूध और क्रीम, क्रीम वाला दूध है, ऐसा मजेदार इसकी हद कोई नहीं। दूध वैसे ही आपके लिए बहुत अच्छा होता है और आपको रिजुवेनेट कर देता है। अच्छा बेटा जरा वो जग लेके आए जरा, मिल्क शेक वाला। हाँ जी, ब्लेंडर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ब्लेंडर, ब्लेंडर। हमने अपनी जबान में जो भी कुछ सेटिंग की हुई है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह की बरकत तो होवे ना हरकत। इसमें थोड़ी चीनी हमने कम इसलिए डाली है कि इसमें पहले ही बड़ा मीठा होता है, तो हल्का सा इसलिए ताकि जरा इसका बराबर हो जाए, क्या बैलेंस। और वैसे भी मिसेस चौधरी कोई चीज बनाए तो वो मीठी तो होगी। तीखी भी होती है, फिक्र ना कर। बिस्मिल्लाह की बरकत हो गई ना कोई हरकत, ये हुई ना बात। थोड़ी सी इसमें बर्फ डाल तो देखी, और जाके तो चॉकलेट भी निकाल के लिया। ओ चॉकलेट। हाँ जी, जा शावे से, उसके बगैर तो ना बात बननी। हाँ तो चीकू चोको तो वो तो चीकू चोको से। ये देखना अब डाल इसमें, ये जो क्यूब्स होती है ये अक्सर घरों में खाने नहीं बेटा अफतारी में टाइम है, जरा आए जेब में बोझ चढ़ा ले जा। ए दी बचपन दी आदत है, जदों ही आंदा साडे घर ये कुछ करता सी। अब तो बड़ा हो गया ना। अब तो तू ये देख, मैंने इसमें डाले 5-6 टुकड़े। वाह वाह, हाँ इतने बड़े। और कोई भी आप चॉकलेट डाल सकते हैं? हाँ मेरे ख्याल है मिल्क चॉकलेट है, वो डार्क वाली नहीं खानी। ओके ओके, डार्क वाली तो लोग अब डाइटिंग में भी खाते हैं, तूने तो नहीं खाई थी? नहीं नहीं। चलो भाई हम इसको बनाते हैं। ये हो गया ऐसे करके लॉक, इसकी आवाज निकाल के दिखाओ। अच्छा इसको फाइन चॉप करना होता है, फाइन लाइन किस तरह? मुझे आवाज नहीं आ रही है, मैं रो रहा हूँ, इतनी जोर सी आवाज आ रही है, क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका एटीएम ले जाऊँ। मैं नहीं, ये वाली आवाज मुझे आ रही है। अच्छा हाँ, नहीं नहीं हमने इसको जो टुकड़े किए ना, इसने खुद ब खुद ही इसमें मिक्स हो जाना। अच्छा, 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 मैं सिर्फ ये कह रही हूँ हम लोग हंसी खुशी अफतारी बना रहे हैं, क्योंकि जब आप अफतारी बनाते हैं तो मूड अच्छा रखना चाहिए, बर्ची खाने में ऐसे गुस्से नहीं करने चाहिए लोगों के ऊपर। हैं हम खाई चिड़चिड़ापन, और इस वक्त जरा थोड़ा मुश्किल टाइम होता है ना अफतारी से पहले। हाँ। तो आपको अपना अफतारी से पहले का जो वक्त है उसको सबर से और बड़ी खुशी खुशी इसी तरह अच्छे मूड में है। देख तो सही जरा। हाँ जी देखा बेटा, जो मुंह में पानी आता है उसका घूंट भर सकते हैं। मैं कह रही हूँ मुँह में पानी है बस उसका घूंट भरना, तू चॉकलेट का इसमें जरा रंग देखना कलर है। अब माँ सबके उधर जाके रक्षा, चल मेरा बिल्ला छेती हो। अच्छा अब मैं निकालने लगी हूँ ऐसा हसीन फ्रूट प्लेटर, फ्रूट प्लेटर के देख के तबीयत खुश हो जानी। फ्रूट प्लेटर, वाह वाह वाह, फ्रूट प्लेटर। मैं तो फिर तारी में टाइम मेरे ख्याल तैयारी में कर लूं। की कि ना रखे ने ऐसी माना स्यापा, अस साडे जमाने च बड़ी आसानी हुंदी सी, ए फल कट के रखे ने प्लेट दे विच, ए होई गल नहीं विच, असली गल ते होई है। लेकिन जरा हम आप लोगों की खुशी के लिए हम जरा नई नई बातें कर रहे थे ताकि आपको अच्छा लगे, ये मैं सामने रखती हूँ ना इधर देखना, लगन ना लगाई है। बस अफतारी होने में थोड़ा कुछ टाइम रह गया, हमारी ये जो है अफतारी की टेबल है ना, इस पर बैठने के लिए सारा दिन मैं इंतजार करती हूँ अल्लाह कसम। वैसे आज मजा आ गया, और मुझे यकीन हो गया कि वो जो खुशबुएं आती थी ना, अब पता लगा कि अंदर पक क्या रहा। तो फिर मेरा ख्याल है मैं और आप और चौधरी साहब को बुला लेते। हाँ चौधरी साहब ने तो एंड टाइम पे टाइम से उठना होता है। चौधरी साहब आ जाओ, अफतारी का टाइम होने लगा है जे, बस थोड़ा टाइम रह गया। हाँ अच्छा, तो भाई और बहनों आज की आपने रेसिपी हमारी देखी, रेसिपीज तो आपने देखी कि हमने ये बनाए हैं अनियन के पकौड़े, और बड़े मुख्तलिफ हैं पकौड़े, तो पकौड़े होते हैं वैसे लेकिन जरा ये मुख्तलिफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने बनाया फ्रूट का प्लेटर, तो फ्रूट तो फ्रूट ही होता है, खाली मैंने काट के सजाया है ना, चीज को प्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। और वैसे भी आप बेशक यूं करके तोड़ ले तो आप खा सकते हैं फ्रूट खाना हो, लेकिन जिस तरह पेशकश होती है ना उसकी बात है कुछ और है। और ये है चीकू चौको शोक, शोक नहीं चीकू चौको शेक। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर पकौड़े ऐवें खराब बने तो आप सनग्लासेस भी बना सकते हैं। जा जा। और साथ में हमने टोमेटो केचप रखा है कनौर का, तो आपने इसी तरह से खूबसूरत तरीके से अपनी अफतारी सजानी है, घर वालों को हंस हंस के दिखाना है अफतारी के टाइम। अच्छा हाँ ऐसे करके ना, तो आपकी अफतारी का स्वाद भी दुगना हो जाना इंशाल्लाह, आप देख लेना।
तो बस आप दीजिए इजाजत, हम इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में बहुत ही मजे की और कुछ चीजें लेके आएंगे। तो याद से आपने देखना है मिसेस चौधरी का तड़का।